नमस्कार बच्चों कक्षा दस एक्सरसाइज सात पॉइंट दो हम इसका प्रश्न आठ करने जा रहे हैं देखिए प्रश्न है यदि ए और बी क्रमशः माइनस दो कोमा माइनस दो और दो कोमा माइनस यानी चार हो ए के निर्देशांक है ये और बी के निर्देशांक हैं ये तो बिंदु पी के निर्देशांक याद कीजिए ताकि ए पी बराबर तीन बटा सात ए बी हो और पी रेखाखंड बी पर स्थित हो बच्चों पहले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा आप देखिए इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास बिंदु है ए और यह बिंदु है बी ठीक है बच्चों और इस ए बी पर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है पी ठीक है अब ए के निर्देशांक हैं माइनस दो कोमा माइनस दो बी के निर्देशांक हैं दो कोमा माइनस चार ठीक है बच्चों और पी यहाँ पर है हमें दिया गया है ए पी बराबर तीन बटा सात ऑफ ए बी इसका मतलब ये ए बी तीन बटा सात के साथ गुना हो रहा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ए पी बटा ए बी बराबर तीन बटा सात इसका मतलब बच्चों ध्यान से पहले समझिए ए पी बटा पूरी ए बी ए पी बटा ए बी तीन बटा सात इसका मतलब तीन हिस्से ये टोटल सात हिस्से दोबारा बोल रहा हूँ ए पी बटा ए बी तीन बटा सात यानी तीन हिस्से ये और सात हिस्से ये ठीक है बच्चों यही हुआ ना तीन रेशों साथ तो यदि ये तीन हिस्से हैं तो सात में से ये कितने हिस्से हुए सोचिए सात में से तीन हिस्से ये हैं तो इधर कितने हिस्से रह गए चार हिस्से इसका मतलब AP का यदि पीबी के अनुसार निकालेंगे तो वह होगा तीन बटा चार यह समझ आया बटो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझिए मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं देखिए हमें था AP बटा ए बी तीन बटा सात एपी ये है, ए बी पूरा है तो AP तीन हिस्से ए बी सात हिस्से ए पी तीन हिस्से ए बी सात हिस्से सात हिस्सों में से ए पी है तीन हिस्से तो पी बी कितने हिस्से हुए चार हुए ना तभी तीन प्लस चार ये पूरा सात हिस्से बनेंगे है ना बच्चों तो इसका मतलब ए पी का पी बी के साथ अनुपात कितना होगा ये तीन हिस्से हैं ये चार हिस्से हैं तो तीन रेशियो चार तीन रेशियो चार इसे हम यहाँ लिख भी लेंगे कि ए पी तीन पी बी चार ये इनका अनुपात आ गया अब हमें पी के निर्देशांक निकालने हैं अब ये बड़ा आसान हो गया कैसे आसान हो गया बच्चों क्योंकि अब इसमें हम विभाजन सूत्र लगा सकते हैं लगा सकते हैं ना बेटा तो अब देखिए ए पी बटा ए बी पहले ए बी लिखा बेटा तीन बटा सात है तो ए पी बटा पी बी ये होगा तीन अनुपात चार तीन हिस्से ये और चार हिस्से ये अब हम लगाएंगे यहां पर विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र के अनुसार याद है आपको पी के निर्देशांक एक्स कोमा वाई बराबर है एक्स वन सॉरी एम वन इंटू एक्स टू एम वन है तीन इंटू एक्स टू है दो प्लस एम टू एम टू है चार इंटू एक्स टू एक्स टू है माइनस दो बटा एम वन प्लस एम टू यानी कि तीन प्लस चार इसी प्रकार से बेटा वाई के निर्देशांक एम वन इंटू वाई टू एम वन इंटू उधर वाला वाई टू वो है माइनस चार प्लस एम टू एम टू है चार इंटू वाई वन वाई वन है माइनस दो चार इंटू माइनस दो बटा एम वन प्लस एम टू जो कि है तीन प्लस चार के बराबर तो बेटा देखिए यहां से पी के निर्देशांक एक्स वाई किसके बराबर आए हम इसे हल करेंगे तीन दुनी छ प्लस इंटू माइनस माइनस चार दुनी आठ बटा तीन प्लस चार होता है सात कोमा तीन गुना माइनस चार चार तीए बारह प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस चार दुनी आठ बटा तीन प्लस चार होता है सात तो अगले स्टेप में हम फिर से लिखेंगे पी एक्स कोमा वाई यह बराबर होगा प्लस माइनस माइनस आठ में से छह माइनस किया दो साइन बड़ी रकम का माइनस दो बटा नीचे है सात कॉमा माइनस माइनस प्लस बारह और आठ बीस सात में साइन माइनस का क्योंकि दोनों रकम में माइनस किया और नीचे आ गया सात तो इसका अर्थ है ये आगे हल हो नहीं सकते दो सात से नहीं कर सकता बीस सात से नहीं कर सकता इसका अर्थ यह है कि एक्स वाई के निर्देशांक हमें निकालने थे यानी बिंदु पी के निर्देशांक निकालने थे वो हमने ये निकाल दिए हैं यदि आप चाहें तो यहाँ एक बार लिख सकते हैं बिंदु पी के निर्देशांक हैं माइनस दो बटा सात कोमा माइनस बीस बटा सात ब्रैकेट में ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है तो बच्चों है बड़ा सरल है बस थोड़ा सा घुमाकर आपको ए पी बटा ए बी बताया हुआ था उसी में से हमने ए पी बटा पी बी पहले अपनी समझ से निकाला और फिर तो ये सिंपल विभाजन सूत्र था जो हमने यहाँ पर निकाल दिया है आशा करता हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी वीडियोस, बाकी प्रश्न भी समझ सकते हैं धन्यवाद